शाहरुख खान की फिल्म में नहीं दिखेंगी कियारा आडवाणी, जवान में कैमियो की बात निकली झूठी। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म जवान में दीपिका पादुकोण कैमियो करने वाली हैं। जब जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ था तो उसमें दीपिका की झलक भी दिखी थी। फैंस शाहरुख और दीपिका को साथ में देखने के लिए बेताब है। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये भी बताया गया था कि जवान में कियारा आडवाणी भी कैमियो करने वाली हैं। इस बात से फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई थी, लेकिन अब लोगों को तगड़ा झटका लगा है। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि शाहरुख खान की फिल्म में कियारा आडवाणी नहीं नजर आने वाली है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ सत्यप्रेम की कथा में नजर आई थी। कार्तिक कियारा की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि कियारा आडवाणी फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ एक गाने में नजर आने वाली है। हालांकि अब बॉलीवुड हंगामा के सोर्स ने बताया कि फिल्म में कियारा आडवाणी कैमियो नहीं करने वाली है। एक्ट्रेस पर कोई गाना नहीं फिल्माया गया है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण जरूर कैमियो करने वाली है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी सुपर हिट है। इससे पहले दोनों पठान में एक साथ में नजर भी आए थे। आपको बताते चले, शाहरुख खान की फिल्म जवान में दीपिका पादुकोण नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मणि और रिद्धि डोगरा जैसे स्टार्स अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। जवान को लेकर कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हाल ही में क्रिटिक कमाल राशिद खान ने शाहरुख खान की मूवी जवान को लेकर ऐसी बात कही कि सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि जवान पहले दिन ही दुनिया भर में 125 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली है। इस टॉपिक पर आपका क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।